सो so, आज फाइनली मेरा लेवल वन का अल्ट्रासाउंड हुआ एंड आई एम सो नर्वस हे एवरी वन दिस इज मोनिका वर्मा और आप फिर से आ चुके हो मेरे ब्लॉग में जहां पर थमनेल से आपको मालूम चल गया होगा कि सिया मुझे परेशान कर रही है थमनेल से आपको पता सिया तो जैसा कि से आपको मालूम चल गया होगा कि ये जो व्लॉग है ये मेरी हेल्थ अपडेट को लेकर है कि बेसिकली मेरी हेल्थ के साथ क्या क्या चल रहा है कैसे कैसा चल रहा है तो जैसा कि अगर आप मेरा फर्स्ट व्लॉग देख चुके होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी सेकेंड टाइम जो कि आने वाला है अगस्त में सो so, अभी फिलहाल मेरा चल रहा है थर्ड मंथ वो भी खत्म होने वाला है uh, क्या मेरी हेल्थ अपडेट्स है कैसा फील कर रही हूँ क्या मेरे हेल्थ uh, इश्यूज चल रहे हैं जो भी कुछ है वो मैं इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ आज का दिन मेरे लिए काफी बड़ा है क्योंकि आज के दिन मेरा अल्ट्रासाउंड होना था लेवल वन का इस प्रेगनेंसी हाँ का फर्स्ट लेवल वन का अल्ट्रासाउंड <laughs> <laughs> तुम रोने क्यों लग जाती हो सिया डॉक्टर के पास बाबू डॉक्टर तुम्हारे लिए अपने आपको डॉक्टर के के दिखाने के लिए जाती हूँ क्लिनिक में एंटर करते ही रोने लग जाती है इसे लगता है कि हम इसको लेके आए क्योंकि अभी सर्दी में दो तीन बार तक सिया को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा हाँ ये डॉक्टर की दुकान पहचान के जाती है ये बाबू कैसे पहचानते हो दुकान बता 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 दो 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 उनको तुम डॉक्टर की दुकान पहचानते कैसे हो डॉक्टर की दुकान एक घंटे की वेटिंग थी तो हमने सोचा क्या करें उस इन बिटवीन तो फिर हम लोग पास में ही वहां पर एक पार्क था तो हम सिया को ले तो हम सिया को लेकर निकल गए पार्क में और वहां पे हमने सिया के साथ काफी खेला और थोड़ी सी मस्ती करी हम लोग फिर आए और मेरा अल्ट्रासाउंड नर्वस थी थोड़ी नहीं काफी ज्यादा नर्वस थी कि भगवान सब कुछ अच्छा हो बट हाँ सब कुछ अच्छा हुआ डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है बेबी एकदम हेल्दी है बिल्कुल सब कुछ ठीक है और कंग्रेचुलेशन तो हाँ मैं बहुत खुश हो गई थी फिर उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड साथ में आए हैं क्या उन्हें भी दिखाना है ये रिपोर्ट क्योंकि जो लेवल वन का अल्ट्रासाउंड होता है उसको हस्बैंड को शो कर सकते हैं तो उन्होंने बुलाया मेरे हस्बैंड यानी रवि को और रवि सिया हमारे साथ ही गई थी क्योंकि तो सिया भी आई तो सिया को लग रहा था सिया थोड़ा डर गई थी रोने लग गई थी कि नहीं मम्मा मतलब ये रहा था मेरे साथ ही क्या हो रहा है तो उठाओ मेरी मम्मा को बट कोई नहीं फिर हम सिया ने देखा और रवि ने भी देखा बेबी बिल्कुल हेल्दी है बिल्कुल ठीक है और हार्ट बीट भी सुनी हम लोगों ने सो तो हम बहुत खुश थे उस टाइम पर मैं तो कुछ ज्यादा ही खुश थी खैर हाँ ये बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है एक दिमाग के लिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि सेकेंड प्रेगनेंसी है तो वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है मतलब बहुत चीज़ों में कम हो जाती है बट जब बात आती है बेबी की जब आप बेबी को देखते हो ना अपने उस स्क्रीन पर इतनी हार्ट टचिंग मोमेंट होता है ना वो इतना हार्ट टचिंग फीलिंग होती है ना वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो एक माँ ही समझ सकती ये मेरा बेबी है मैं इसके लिए कर रही हूँ ये सब वो इतना प्यारी वाली फीलिंग आती है और जब हार्ट बीट सला तो लगता है कि हाँ, हमारी धड़कन भी सही चल सही रही है। था हमने भगवान का शुक्रिया अदा शुक्रिया किया और हम लोग से निकल गए फिर हम लोग घर तो पर, पर आ गए तो थक जाती हूँ बहुत जल्दी अः अर वो प्रेगनेंसी की वजह से ही है मैं तो सो ही गई और मेरी जो नैप थी वो काफी लंबी खिंच गई ऑलमोस्ट तीन घंटे की खिंच गई अभी जो मेरा फर्स्ट ब्लॉक था उसमें काफी गैप हो गया इस सेकेंड ब्लॉग को आने में क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी कोल्ड मुझे हो गया था सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब कुछ हो गया था सर्दी वाला कोई सिम्टम नहीं बचा था विच इज़ नॉट गुड फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी क्योंकि आप नॉर्मल मेडिसिन नहीं ले सकते हो आपको नॉर्मल मेडिसिन अलाउ नहीं होती हैं क्योंकि वो काफ़ी हाई पावर में होती हैं और इसीलिए आपको एक तो अपने ही डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो दूसरा आपको बहुत ही कम पावर की दवाई दी जाती है बट डोलो इज़ सेफ यानी पैरस्टामोल इज सेफ फॉर इन प्रेगनेंसी ऑल्सो तो आप खा सकते हो अभी मैं अगर सिम्टम्स की बात करूँ कि मैं अभी क्या फील करती हूँ और क्या डिफरेंस है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से इस प्रेगनेंसी में सो एक मेजर मेजर डिफरेंस जो मैं मुझे अच्छे से रटा हुआ है जो मुझे अच्छे से याद है वो एक चीज़ कि जब सिया के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मेरा फोर या फिफ्थ मंथ रनिंग था उस टाइम पर क्योंकि आपका पेट थोड़ा विजिबल हो जाता है और आपका बेबी का वेट भी बढ़ जाता है है ना काफ़ी प्रॉपर आपको प्रेग्नेंट वाली फीलिंग आती है कि हाँ आप देखने में प्रेग्नेंट हो फील में हर चीज़ से प्रेग्नेंट हो तो वो वाला जो टाइम था उस टाइम पे मुझे ऐसा होता था कि मुझे खांसी आई या मुझे छींक आई तो आपका यूरिन पास हो जाएगा यानी पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपका यूरिन निकल जाएगा बट इस प्रेगनेंसी में मेरे मेरे साथ तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है मेरे को अभी से ही वो प्रॉब्लम हो गई है मतलब मुझे 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 छींक आ आ जाए या मुझे आ जाए या खांसी तो मुझे थोड़ा सा यूरिन पास हो जाता है क्योंकि आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हो उस टाइम पर और किसी के सामने अगर बैठे हो तो, तो यार एकदम से वॉशरूम जाना है बहुत दिक्कत हो जाती है दूसरी चीज ये कि सिया के टाइम पर मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे नोजिया हो जी घबरा रहा है या उल्टी शायद आ आगे होगी है क्या दो बार बट अभी दस दिन से मुझे इतना ज्यादा नोजिया फील हो रहा है शायद जब से मैं फीवर में आई हूँ उस वजह से या किस वजह से आई इतना ज्यादा नोजिया फील हो रहा है मुझे मुझे हर वक्त लगता है कि मेरा जी घबरा रहा है तो अगर थोड़ी सी भी थोड़ी सी भी ओवर ईटिंग कर लिया आपने क्यों तो मुझे घबराहट फील हो जाती है मुझे लगता है कि मुझे उल्टी आ रही है और मुझे उल्टी हो भी जा रही है बहुत ज्यादा ज्यादा उल्टी नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी उल्टी दिन में दो तीन बार तक हो जाती है विच इज नॉट गुड थर्ड डिफरेंस है वो ये कि मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करती हूँ इस टाइम पर एज कम्पेयर टू मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं है मैं इतनी एक्टिव थी इतनी क्योंकि शायद आपका बॉडी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्योंकि आप ऑलरेडी आपकी बॉडी एकदम न्यू होती है बट बेबी करने के बाद जो आपकी बेबी आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी है ना खराब हो जाती है इंटरनली जो आपको इतना फील वैसे नहीं होगी शायद बट बेबी जब हम दोबारा कंसीव करते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी वीक होती है तो अभी मुझे थोड़ा ज्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है कि यार मैं थक थकी हुई हूँ यार इतना कर लिया अब ठीक है अब इससे नहीं मैं थक गया मुझे लेटना है ऐसा वाला मुझे फील होता है फोर्थ डिफरेंस है फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे हाँ सिक्स मंथ के आसपास मुझे बैक पेन फील हुआ था यानी कि जब मेरा बेबी बम्प अच्छा खासा हो गया था तब मुझे बैक पेन फील हुआ था कमर में दर्द महसूस होता था कि यार क्योंकि बेबी का वेट हो जाता है अच्छा खासा और आपके फिर कमर पे सारा प्रेशर पड़ता है उस सारे वजन का तो इसलिए मेरे को बैक पेन तब फील हुआ था सिक्स मंथ के आसपास बट अभी इस प्रेगनेंसी में इस प्रेगनेंसी में जब मुझे मालूम चला था कि मैं प्रेग्नेंट प्रेगनेंट हूं मुझे तब से ही बैक पेन फील होने लग गया था और इतना इमेंस होने लग गया था कि मैं करवट भी नहीं बदल पाती थी जब मैं सुबह उठती थी तो इतना ज्यादा इमेंस पेन होता था मुझे तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया उन्होंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसे ऐसे पे, बैक पेन होता है तब उन्होंने मुझे मेडिसिन रिकमेंड करी कैल्शियम की वो मेडिसिन थी जो मैं खा रही हूँ अभी फिलहाल उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला बहुत ज्यादा रिलीफ मिला अगर आप भी प्रेग्नेंट हो और आपको भी बैक पेन होता है तो मैं आपको बोलूंगी कि एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना और उन्हें बताना कि क्या लेना चाहिए और क्या मुझे कैल्शियम की गोली जो है वो खानी चाहिए सो तो ये चार मेजर डिफरेंस है जो मैंने फर्स्ट और सेकेंड प्रेगनेंसी में फील कराए हैं सो तो ये थी मेरी हेल्थ अपडेट डेली ब्लॉगिंग भी जरूर शुरू करूंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक न्यू थिंग ऐड होने वाली है हमारे घर में सो so, वो चीज क्या है वो भी मैं जरूर अपने आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना वहाँ पे भी आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे तो so, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में तब तक अपना ख्याल अपना ख्याल ख्याल रखना मैं भी रखूंगी आने वाले में आपको मालूम चलेगा की मैं डेली क्या खाती हूँ वॉट आई ईट इन अ डे कैसे ये सब मैनेज कर रही हूँ एक बेबी के साथ दूसरी प्रेगनेंसी कैसे मैनेज कर रही हूँ बाकी काम कैसे मैनेज कर रही हूँ ये भी आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखने को जरूर मिलेगा तब तक अपना ख्याल रखना लव यू गाइज बाय